Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? I hope you all are fine. Okay, now we will start our oral. Okay, today oral is हमारा आज का ओरल है हमारे लास्ट वीक के प्रीवियस फ्लैश कार्ड्स की रीडिंग. ओके, हमने प्रीवियस वीक में फ्लैश कार्ड्स की जो रीडिंग की थी आज हम उनको रिवाइज करेंगे. हमने फर्स्ट वीक में कौन सी रीडिंग की थी, पढ़िए मेरे साथ. कौन सा वर्ड है? कीपर. कीपर वांटेड अ पार्टी. कौन सा वर्ड है? कीपर वांटेड अ पार्टी. ओके, सेकेंड वीक में हमने कौन से वर्ड्स की रीडिंग की थी, पढ़िए मेरे साथ. नो बडी वॉन्टेड टू कम. नो बडी वॉन्टेड टू कम. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर इस्लामियत ओरल. टुडे इस्लामियत ओरल इज चौथा कलमा, अगेन रिवाइज. मेरे साथ सब पढ़ेंगे. चौथा कलमा तौहीद. तौहीद माने अकेला. ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल्ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. ये था हमारा इस्लामियत का ओरल. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर जी के ओरल. जी इज फ्रूट्स नेम. फ्रूट्स नेम हम पढ़ेंगे क्योंकि इस वीक हम फ्रूट्स डे सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है, इस वीक हम फ्रूट्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो इसलिए पहले हम फ्रूट्स नेम पढ़ेंगे. ठीक है, जीके का ओरल हमारा क्या है आज इस दफ़ा का? फ्रूट्स नेम. विच फ्रूट इज दिस? डू यू नो विच फ्रूट इज दिस? यस, दिस इज एप्पल. ओके, व्हाट इज दिस? विच फ्रूट इज दिस? Orange. This is an orange. Okay, which fruit is this? Banana. Which fruit it is this? Banana. Okay, now tell me which fruit is this? ये तो सबको पसंद होता है ना. Tell me which fruit is this? Yes, this is mango. Okay, now Tell me which fruit is this? पता है आप सबको कौन सा फ्रूट है ये? Yes, this is grapes. Okay, which fruit is this? Cherry. Okay, and now which fruit is this? Guava. कौन कौन खाता है guava? अमरूद को कहते हैं guava. Okay, wow, मुझे लगता है ये तो सब बच्चों का फेवरेट होगा. कौन सा फ्रूट है ये? स्ट्रॉबेरी. ये सब क्या थे हमारे आज के फ्रूट्स नेम. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज प्रिया थ्री सेशन. टुडे इज 14 सितंबर 2020, डे 10, एंड टुडे इज मंडे. टुडे उर्दू वर्क इज, नाउ ओपन योर उर्दू कॉपीज. उर्दू वर्क इज फलों के नाम. क्या है हमारा उर्दू का वर्क आज? फलों के नाम. हमने पीपी बुक में भी फ्रूट्स नेम पढ़े ना इंग्लिश में, लेकिन उर्दू की कॉपी में हम उर्दू में वर्क करेंगे. ठीक है, अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है. फलों के नाम. कौन सा फ्रूट है ये? कौन सी पिक्चर है आपको नजर आ रही है? देखिए मेरे साथ, विच पिक्चर इज दिस? आम. आम यहाँ हम क्या लिखेंगे? आम. कैसे? अलिफ मद्दा मीम. आम. दोबारा लिखिए मेरे साथ, अलिफ मद्दा मीम. आम. देखिए सेकंड फ्रूट कौन सा है ये? सेब. सीन ये बे सेब. विच पिक्चर इज दिस? सेब. कौन सी पिक्चर है ये? सेब. और इंग्लिश में हम इसको एप्पल भी कहते हैं.
पहले मेरे साथ लिखें सब, सीन के आदि अशकाल, फिर ये की आदि अशकाल और बे से। लास्ट देखिए कौन सा फ्रूट है, विच पिक्चर इज दिस, आड़ू। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पीच। कैसे लिखेंगे, अलिफ मद्दा रे वाउडू, आड़ू, अलिफ मद्दा रे वाउडू, आड़ू। ये हमारा उर्दू का वर्क था। इस पेज को आप लोग इसी तरीके से पढ़ पढ़ के अपनी मम्मा की हेल्प से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ प्रेयर थ्री सेशन। टुडे इज़ 14 सितंबर 2020, डे 10, एंड टुडे इज़ मंडे। नाउ वी विल स्टार्ट अवर इंग्लिश वर्क। टुडे इंग्लिश वर्क इज़ राइमिंग वर्ड्स। टुडे इंग्लिश वर्क इज़ राइमिंग वर्ड्स। व्हाट इज़ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स आप लोग लास्ट वीक बुक में कर चुके हैं, अब हम कॉपी में इस वर्क को करेंगे। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड। फॉर एग्जांपल कैट, हैट, रैट। देखिए सबके एंडिंग साउंड्स सेम है ना, एट आ रहा है सबके एंडिंग साउंड में। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जिनके एंडिंग साउंड सेम हो, जिनके एंडिंग साउंड सेम होता है उनको हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। यहाँ देखिए मेरे पास एक राइमिंग वर्ड लिखा हुआ है, हैट, ह ए ट, हैट। अब हमें एट जिसके एंड में वर्ड्स वर्ड्स के एंड में एट आ रहा होगा, हमें उससे रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स यहाँ बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, हैट है, तो हैट से मिलता जुलता और कौन सा वर्ड होगा, बग। बग के एंड में क्या आ रहा है, मुझे लग रहा है बग के एंड में तो अग आ रहा है, लेकिन नहीं, ये तो हमारा राइमिंग वर्ड सेम नहीं हुआ। हमें क्या करना है, एट वाले वर्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैट, ख एट, कैट। कैट के एंडिंग साउंड क्या है, सेम है ना, एट की तरह सेम आ रहा है। सेकंड सेकंड राइमिंग वर्ड क्या बनाएंगे हम, बैट, ब ए ट, बैट। अब आगे के थ्री राइमिंग वर्ड्स आप लोग खुद बनाएंगे अपनी मम्मा की हेल्प से, ओके। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज प्रिया थ्री सेशन। टुडे इज 14 सितंबर 2020, डे 10, and today is Monday. Now we will start our maths work. Today maths work is before, after and between. Open page number 22. Page number 22 open करेंगे और हमारा आज का work क्या है, before, after and between. Revised work है ये हमारा, before भी हम कर चुके हैं, what's come after और and what's come between हम ये पहले भी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इनको व्हाट्स कम बिफोर एंड व्हाट्स कम आफ्टर से फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास कौन सा नंबर है, विच नंबर इज दिस, 23। विच नंबर इज दिस, 23। एंड विच नंबर इज दिस, 25। व्हाट कम बिटवीन 23 एंड 25, 24। वी विल राइट 24। एक और देखिए मेरे साथ, ये क्या है, विच नंबर इज दिस, 60। विच नंबर इज दिस, 61। एंड व्हाट्स कम बिफोर 60, 60 से पहले कौन सा नंबर आता है, 5, 9, 59। वी विल राइट 59। देखिए मैंने एक आपके लिए व्हाट्स कम बिटवीन वाला डन कर दिया, एक मैंने व्हाट्स कम बिफोर डन कर दिया, एक मैं आपके लिए व्हाट्स कम आफ्टर डन कर रही हूँ। देखिए क्या है, 38, 38, 39, 39। एंड व्हाट्स कम आफ्टर 39, 40, 40। अब बाकी के जो हैं वो आप अपने मम्मा की हेल्प से, या आपको ये तो आ गया होगा तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इस पेज को कंप्लीट करेंगे।